वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो क्या चल रहा है जिंदगी में? हमारी जिंदगी में तो जो है वो मेहनत मजदूरी ही चल रही है फिलहाल। तो आज जो है हम सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम जो है वो अपने घर में कुछ जो है वो पेंट का काम बाकी है। वैसे तो पेंट जो है वो सारा घर हो चुका है, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान जो है कुछ चीज़ें जो है वो दीवार के साथ लगी और सामान ऊपर चढ़ाते हुए तो कुछ जो है ना वो टचिंग्स हुई थी, तो अब उनको जो है वो सही करना है। तो वो हम खुद से मैं जो है वो उसको सेट करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, पेंट जो है तब का जो है वो कुछ बचा हुआ था, तो उसी पेंट को जो है हम जो है वो दोबारा, मैं खुद आज जो है वो पेंटर वाली लुक में ही मौजूद हूँ। मैंने पुरानी शर्ट और पुराने जो कपड़े हैं वो आज पहन लिए हैं, क्योंकि वो पेंट करते हुए कुछ जो है पेंट लग जाते हैं कपड़ों पे, तो वो फिर आसानी से उतरता नहीं है, तो इसलिए फिर जो है वो कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो अब जो है वो आपको मैं आगे दिखाता तो हूँ। अगर ये नज़र आ रहा हो तो शीशा भी जो है वो थोड़ा गंदा ही है, ये भी साफ़ करने वाला है, तो मैंने जो है वो चेंज कर लिया है। तो मेरी जो हालत है वो किसी पेंटर से जो है वो कम नहीं है, मैं बिल्कुल जो है वो पेंटर ही लग रहा हूँ। बस इस पे थोड़े जो है ना पेंट के निशान लग जाएंगे शर्ट पे, तो मैं जो है ऑफिशियल प्रोफेशनल जो है वो पेंटर लगूँगा। वैसे मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, तो अगर किसी ने अपने घर पे पेंट करवाना हो तो वो मेरे साथ जो है वो रابطہ कर सकता है। नो नो नो, ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा बाउल है, इसके अंदर हम पेंट को जो मिक्स करके, क्योंकि जो है वो पेंट बिल्कुल जो है वो प्योर नहीं करना होता, उसमें कुछ पानी भी ऐड करना होता है, तो इसमें हम पेंट का मिक्सर बनाएंगे। और ये हमारे पास ब्रश मौजूद है, इसके साथ हम जो है वो पेंट करेंगे आज। ये देखिए कितना ज़्यादा ये रफ हुआ हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने कर दिया है, तो ये अभी गीला है, तो अभी जो है ना ये सारा जब खुश्क होगा तो इसके साथ जो है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। अभी आप ये देखें ये कितना ज़्यादा गंदा है, तो इसको मैं बाद में भी दिखाऊंगा, तो देखिएगा फिर पेंटर के कमाल। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम जो है वो बेड पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये जिस भाई ने भी एसी यहाँ पे लगाया तो उसकी वजह से ये देखें ये कितना जो है वो सारी दीवार जो है ये रफ हुई पड़ी है। तो ये बड़ी देर से जो है मैं देख रहा था, तो आज सोचा जब शुरू किया है तो इसको भी साथ कर दूं। वेल डन। तो अब ये सारी जगह पे भी मैं जो है वो ये इतना पूरा पीस जो है मैं इसको पेंट करूंगा दोबारा से। अच्छा, हमको सिखा रही है जी। ये आप देख सकते हैं जो है मैं जो है वो प्रोफेशनल पेंटर जो है वो बन चुका हूँ। तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब बात जो है वो अपने जो है वो बेडरूम में आ गई है, तो यहाँ पे भी थोड़ा है काम करने वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो है वो खराब हुआ हुआ है यहाँ से, तो इसको रेगमाल की मदद से जो है इसको इसको थोड़ा डल किया जाता है, मतलब थोड़ा जो है ऊपर ऊपर से उतर जाए पेंट, तो फिर जो है इसके ऊपर एक लेयर जो है वो पेंट की कर देंगे, तो उससे जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाबाश, ये बिल्कुल वही जगह है जो मेरे बेडरूम में थी, यहाँ से बिल्कुल जो है वो खराब थी। अब देखें ये किस कदर जो है वो साफ नजर आ रही है। तो इसके साथ ही जो है आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। जो है काम पूरा हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे लगे, लेकिन ये है कि अब जो है ना वो बहुत बेहतर हो गया पहले से। नीचे नीचे से जो है वो बहुत रफ हो चुका था, तो अब थोड़ी मेहनत हुई है, लेकिन जो है ना वो अच्छा हो गया काम। तो जी अब आपने काम देख लिया मेरा, तो अब आप मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं कि घर पेंट करवाना हो या कुछ और पेंट करवाना हो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो कुछ भी,
तो बाकी इसके साथ ही इजाजत दें जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, कुछ उखाड़ लें यार जिंदगी में, कुछ कर लें हैं।